नमस्कार, मैं निधि तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मेट्रो ट्रेन का सुहाना सफर तो आपने भी कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर किया होगा। मेट्रो ट्रेन सर्विस एक फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो वर्तमान में मेट्रोपॉलिटन सिटीज की पहचान बन चुका है। अगर आपको याद हो तो यूपी की राजधानी लखनऊ में मेट्रो रेल लाइन बनाने का काम 27 सितंबर 2014 को ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग रेलवे स्टेशन तक 8.5 किलोमीटर के साथ शुरू किया गया था, जिसने सितंबर 2017 को अपनी कॉमर्शियल सेवा शुरू कर दी थी। इसके बाद चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेट्रो स्टेशन से मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन तक रेड लाइन पर पूरी कॉमर्शियल सर्विस 9 मार्च को शुरू हो गई थी। चारबाग से वसंत कुंज योजना तक मेट्रो का डीपीआर साल 2019 में थोड़े बदलाव के साथ फाइनल हुआ था, उसके बावजूद भी रूट पर कोई काम नहीं हो पाया। अब फिर 3 साल बाद साल 2022 में दोबारा से डीपीआर में बदलाव कर डीपीआर तैयार करने का फैसला किया गया है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट की लागत बढ़नी तय है। पिछले 3 साल में सभी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने की वजह से अब लागत भी बढ़ जाएगी। साल 2013 में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी कि चारबाग से वसंत कुंज और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यानी कि एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया का डीपीआर तैयार किया गया था। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण कार्य 6 महीने के अंदर उस समय शुरू किया जाना था, लेकिन 9 साल बाद भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। लखनऊ मेट्रो से जुड़े एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि विभागीय मीटिंग के बाद डीपीआर को बदलने का फैसला किया गया है। जानकारों का मानना है कि प्रोजेक्ट लेट होता है तो उसकी लागत बढ़नी तय है। खबरों की माने तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें चारबाग, गौतम बुद्ध मार्ग, अमीनाबाद, पांडेगंज, सिटी स्टेशन, मेडिकल कॉलेज चौराहा, नवाबगंज, ठाकुरगंज, बालागंज, सरफराजगंज, मुसाबाग तथा वसंत कुंज शामिल है। इसके शुरू हो जाने से पूरे पुराने लखनऊ को कवर किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने से करीब 10 लाख की आबादी को भी मेट्रो में सफर करने का मौका मिल सकेगा। इन सारी जानकारियों के साथ ये भी बता देते हैं कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर किसी विशेष प्रोजेक्ट की योजना बनाने और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए उपयोग की जाने वाली रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट होता है। इसे प्रोजेक्ट की योजना और डिजाइनिंग भाग पूरा करने के बाद तैयार किया जाता है। डीपीआर परियोजना की एक बहुत व्यापक और विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें परियोजना को सफल बनाने के लिए आवश्यक जानकारी जैसे प्राइमरी कंटेंट्स, साइट सर्वे, संसाधनों की उपलब्धता, टेक्नोलॉजी सिलेक्शन, टेक्निकल डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, फाइनेंशियल एनालिसिस आदि शामिल होते हैं। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।